बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, भाई के कत्ल की धमकी देकर ले गया साथ, गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। भाई की कत्ल की धमकी देकर एक युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। घटना मैहर थाना क्षेत्र की है। चार जून को आरोपी मोहम्मद अरमान, पिता मोहम्मद जिब्रिल, 21 वर्षीय निवासी ग्राम बिटहा थाना उच्चेहरा ने एक 20 वर्षीय युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था। मैहर पुलिस ने युवती को आरोपी के चंगुल से मुक्त कराकर आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैहर पुलिस ने बताया कि 4 जून को युवती अपने घर से ऑनलाइन कियोस्क पर फॉर्म भरने गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। आरोपी के चंगुल से मुक्त हुई युवती ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बड़ी बहन के घर आते जाते उसका परिचय अरमान से हुआ था। अरमान ने उससे दोस्ती कर ली और एक नया फोन भी खरीद कर दिया। वह अक्सर उसे मिलने के लिए बुलाने लगा। गत 4 जून को भी उसके बुलाने पर पीड़िता गई, लेकिन इस बार वह उसे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। युवती ने जब इनकार किया तो अरमान ने युवती को उसके भाई का कत्ल कर देने की धमकी देना शुरू कर दिया। डरी शहमी युवती को वह अपने साथ अपने दोस्त की बहन के गाँव ले गया, जहाँ उसे बंधक बनाकर उससे रेप करता रहा। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। विंध्य की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।